ग्वालियर 5G सेवा के शुरू होते ही इस सेवा को हासिल करने के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं के मन में तमाम जिज्ञासाएं होती हैं। इसका फायदा साइबर ठग ना उठाएं, इसको लेकर ग्वालियर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। मोबाइल उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि जब तक कंपनी के अधिकृत नंबर से सिम अपग्रेड करने के लिए कोई मैसेज या कॉल ना आए, तब तक कोई रिस्पॉन्स ना दे। साइबर ठग फिशिंग लिंक के जरिए आपको अपना शिकार बना सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो तत्काल पुलिस की मदद लें। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करते ही आपका खाता खाली हो सकता है। हालांकि ग्वालियर में इस तरह की ठगी की घटनाएं अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि लोगों के मोबाइल पर SMS के जरिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। ये नंबर कई बार कंपनी के नाम से ही भेजे जाते हैं और इसमें दी गई लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है। इसके बाद मोबाइल में पे वॉलेट के जरिए या फिर सीधे खाते से ही ठग रुपए निकाल लेते हैं। कई बार ठग फोन करके आपकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मोबाइल सिम को 5G अपग्रेड करने का झांसा देकर ठगी की घटनाएं दूसरे शहरों में हो रही हैं। इसके चलते ग्वालियर में एडवाइजरी जारी की गई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें क्या 5G के जो सिम है, सिम को अपग्रेड करने के लिए लगातार कंपनी से फ़ोन आ रहे हैं और उसमें कई बार इसमें ठगी का शिकार हो रहे हैं। जो कंपनी के लोग ना होकर वो लोग जो साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं उनके द्वारा कॉल किए जा रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण जानकारी ली जा रही है उनसे, कस्टमर से। इसके अलावा उनके जो लिंक जो भेजी जाती है उसको लिंक को क्लिक कर देते हैं तो फिर अकाउंट में पैसा चला जाता है। फिशिंग के माध्यम से, ट्रैप के माध्यम से ये लोग कस्टमर को शिकार बनाते हैं।